नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSA247 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके इसे इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चा इस सेशन को देख सके, इस सेशन तक पहुँच सके। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज एक वैकेंसी के बारे में आप सभी से चर्चा करने आया हूँ। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी ये भर्ती है। काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो आपकी वैकेंसी आएंगी, ALP के साथ हमेशा टेक्नीशियन की भर्ती आती है। बच्चों, मैं रेलवे के बारे में जब कोई तथ्य बोलता हूँ वो एकदम 100% सत्य होते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने 1 जनवरी के दिन ये वीडियो बनाई थी कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि बच्चों, मैंने 1 जनवरी 2024 के दिन ये वीडियो बनाई थी कि ये बहुत जल्दी आपकी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और उसमें भी सिर्फ RPF की वैकेंसी आने वाली है। ये मैंने 1 जनवरी को बोला था। दोस्तों, इस बार इन्होंने क्या किया, रेलवे भर्ती बोर्ड ने RPF की भर्ती को रोककर पहले ALP की भर्ती को दिया और ALP की कुल मिलाकर इन्होंने 5600 प्लस पोस्ट निकाली, जो कि पहले के मुकाबले और इतने दिन बाद आई है तो वैकेंसी बहुत कम है, ना मात्र है। अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने एक और शॉर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने क्या बताया है, जिसमें इन्होंने मेरे प्यारे साथी हो एक और भर्ती टेक्नीशियन के बारे में बताया है जिसकी कुल मिलाकर 9000 पोस्ट है। लेकिन टेक्नीशियन में एक छोटा सा इस बार बदलाव हुआ है। बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, बहुत से अध्यापकों द्वारा किया गया नोटिफिकेशन है, आप लोगों ने अच्छे से उसे समझ भी लिया गया होगा। लेकिन इस बार मैं जो छोटा सा आपको चेंज बताऊंगा, टेक्नीशियन की जो 9000 पोस्ट आई है इनमें एक छोटा सा बदलाव हुआ है। दोस्तों, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एज होता है, एक एक बात को ऐसे समझा दूंगा कि तुम्हें दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह गारंटी है मेरी। इस सेशन को देखने के बाद आपको टेक्नीशियन का लिए कोई दूसरा सेशन देखने की तो आवश्यकता है नहीं। देखो बच्चों, सर कौन बच्चा फॉर्म भरेगा कौन नहीं, सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन की जो ये भर्ती निकली है इसमें टोटल पोस्ट कितनी निकली है बच्चों, टोटल पोस्ट है इसमें 9000। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इसमें ग्रेड फर्स्ट को ऐड किया गया है, ध्यान से सुनना, पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों जब इसमें ग्रेड फर्स्ट को ऐड किया गया है। अब से पहले जब भी ये कभी भर्ती आती थी तो इसमें ग्रेड फर्स्ट की भर्ती नहीं होती थी। ये अब से पहले जब भी भर्ती आती थी कभी भी तो इसमें ग्रेड फर्स्ट नहीं होता था। अब इन्होंने इस बार ग्रेड फर्स्ट को भी ऐड कर दिया है और ग्रेड फर्स्ट को 1100 वैकेंसी दी है। कितनी वैकेंसी, 1100 वैकेंसी। और ग्रेड थर्ड को जो इन्होंने वैकेंसी दी थी वो दी है 7900। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है वो 9000 है। कितनी है, 9000। पहला चेंज क्या हुआ है, पहला चेंज यह हुआ है कि टेक्नीशियन में इस बार ग्रेड ए को ऐड किया गया है, ग्रेड वन को ऐड किया गया है। मतलब पिछली बार ग्रेड ए की भर्ती इसमें नहीं होती थी। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो 9 मार्च के दिन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 8 अप्रैल तक लगभग 1 महीने तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, किसी को समझने में दिक्कत हो तो दो बार पूछ लेना। टेक्नीशियन की भर्ती है, 9000 पोस्ट है, 1100 ग्रेड ए की है और 7900 ग्रेड थर्ड की है। पहली बार ग्रेड ए को इसमें ऐड किया गया है, ग्रेड ए इसमें नहीं आता था। अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पहला डाउट बच्चों का जो है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। सर फीस कितनी लगेगी, फीस देखना, अगर मैं फीस की बात करता हूं तो बच्चों फीस ओबीसी जर्नल और ईडब्ल्यूएस इनकी 500 रुपए फीस लगेगी। फॉर्म भरने की इनकी 500 रुपए फीस है जिसमें लगभग लगभग आपके 400 रुपए वापिस हो जाते हैं। SC ST और ऑल फीमेल इनके लिए 250 रुपए फीस है, इनके लगभग लगभग 200 रुपए वापिस हो जाते हैं। एज की बात करूं तो एज कब से काउंट होगी, अब देखो वन बाय वन करके सारे डाउट क्लियर करूंगा। एज कब से काउंट होगी, एज देख लो, एज 1/7/2024 से एज काउंट होगी। अगर ग्रेड थर्ड की एज बताऊं दोस्तों, जहां सबसे बड़ा डाउट है वो देख लो, सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है, सर जर्नल वाला बच्चा कब से कब तक का फॉर्म भरेगा। देखना, जो बच्चा ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म भरेगा जिसकी कुल मिलाकर 7900 वैकेंसी है, अगर जर्नल वाले बच्चे का जन्म 1/7/1991 के बाद हुआ और 1 जुलाई 2006 से पहले हुआ तो इस डेट के बीच में जो भी बच्चा वो सब फॉर्म भर सकता है। बात क्लियर। ओबीसी वाले बच्चे का जन्म 1/7/1998 के बाद हुआ और 1/7/2006 से पहले हुआ तो वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। अगर SC ST की बात करूं तो ये 1/7/1998 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो फॉर्म भरेगा, सॉरी
माफी चाहूंगा, ये 1986 होगा, 1986 के बाद पैदा हुआ है और 2006 से पहले पैदा हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है। अब बात करता हूं सर, ये आपने बता दिया ग्रेड थर्ड का, ग्रेड फर्स्ट इधर लिखा है देख लेना, पहले वाले भर्ती में मतलब जो भर्ती होगी उसमें कुल मिलाकर कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, देखिए फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख 40 लाख 50 लाख, ये मुझे नहीं पता कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन भर्ती में जो पहले पेपर में बच्चे पास होंगे वो कितने बच्चे पास होंगे, जितनी भर्ती होगी उसका 15 गुना पास किया जाएगा, जितनी भर्ती होगी उसका 15 गुना पास किया जाएगा। मतलब अगर भर्ती 9000 है तो बच्चों 1,35,000 बच्चों का पहला एग्जाम क्वालिफाई किया जाएगा, 1,35,000 का। अब बच्चों बात आती है सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन बताओ, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो बच्चों क्वालिफिकेशन वो बच्चा फॉर्म भरेगा, वो बच्चा फॉर्म भरेगा जो 10+2 यानी कि 12th पास कर चुका है और उसके पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। अगर उसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो बच्चों वो ध्यान रखना यानी कि इंटर साइंस वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, पीसीबी वाला बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा, आरट वाला बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। फिर ऐसी डिटेल वीडियो है, इस वीडियो के बाद में आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना, फिर से आपको बता रहा हूं, ये देखो जरा 10+2 12th पास आप हैं और वो भी साइंस से पास हैं तो फॉर्म भर पाओगे, वरना बेटा मेरी वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी की वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस तो पवन मोरल को है। इसके बाद सर अगर मेरे पास ना हो ये वाली क्वालिफिकेशन दूसरी हो कोई तो दूसरी क्या है, दूसरी है अगर आपने 10th पास किया हुआ ITI के साथ में, अगर आप 10th पास है विद ITI तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दो तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है, या तो 12th पास आप साइंस से हो या फिर ITI 10th के बाद आपने की हुई है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बात क्लियर सर। अब इसका एग्जाम पैटर्न बताओ, एग्जाम पैटर्न समझिएगा, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इसका जब हम SSC पढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं टीयर फर्स्ट, लेकिन यहां पे क्या बोला जाता है, यहां पे बोला जाता है CBT 1, यहां पे बोलते हैं CBT 1। अब जरा देखना दोस्तों, CBT 1 में 75 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन GK GS के। ये पहला पेपर होगा, भर्ती का 15 गुना बच्चा पास होगा। अगर भर्ती 9000 आ रही है तो बेटा 15 × 15 = 135, 1,35,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है जी, 135 है ना, इतने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। अब बात आएगी सर ये बच्चे क्वालिफाई हुए, अब होगा पेपर 2 जिसे हम CBT 2 बोलते हैं। CBT 2 क्या होगा, अगर मैं CBT 2 की बात करता हूं तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं मैथ के यहां पे रोल देखो, पहले के मुकाबले यहां पे मैथ थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अक्षय सर थोड़ा सा यहां पे अपना रोल ज्यादा अदा करेंगे, जो पहले 20 क्वेश्चन के लिए हैं अब 25 क्वेश्चन। अगर मैथ पक्का करना है तो 12 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और दो चीज मैंने लिखी है S और E, ये क्या गुरु जी, साइंस प्लस इंजीनियरिंग, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 50, इसमें GK भी आएगी, ध्यान रखना साइंस प्लस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्लस GK GS के क्वेश्चन, ये 50 होंगे बच्चों, ये आपका पेपर रहेगा। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो सर, ऐसा सेशन मैं बता रहा हूं अभी तक शायद मैंने तो, आप लोग देख लेना कोई भी जाके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां रहती है बच्चों को, सर कब से मेरी एज है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा, सर मैं तो 1995 में जानूंगा फॉर्म भर पाऊंगा, मैंने सब कुछ लिख दिया। और अगर आप कहो गुरु जी एक बार नोटिफिकेशन दिखा दो, तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, कभी आपको लग रहा हो कि गुरु जी नोटिफिकेशन नहीं आया तो देखो ये रहा, लेकिन मैं नोटिफिकेशन से थोड़ा सा इतना कंफर्ट रहता नहीं हूं, मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, मुझे नोटिफिकेशन में कई सारी चीजें आपके लिए, देखो इसमें इतना सा दिखता है नोटिफिकेशन में, ये देख रहे हो 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और बच्चों 8 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी, भैया 18 से 36 इसमें एज मांगी गई है, ग्रेड फर्स्ट में सैलरी 29,200, ये थोड़ी ना समझाना है बच्चे को बात, ये देखो बच्चों, ये देखो कुल मिलाकर 21 जोन में ये भर्ती आ रही है, 21 जोन में भर्ती है, कहां कहां पर, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, RRB NTPC कब आएगा, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोग तो सिर्फ मजाक के मन में रहते हैं हमेशा कि गुरुजी हो जाएगा जब नंबर आएगा, जब देखेंगे। इसके लिए कितने बच्चे PCB से इंटर पास कर चुके हैं जरा एक बार कमेंट में लिख दो, PCM एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सारे बच्चे PCM जो साइंस से इंटर कर चुके हैं वो कमेंट में लिखो PCM,
जो बच्चे साइंस से इंटर कर चुके हैं बच्चों, वो आपको क्या बेटा ट्रेड टेस्ट कब होगा? वो होगा सीबीटी 2 के बाद में। और जो ट्रेड टेस्ट होता है वो 75 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 26.25 नंबर लाने होते हैं। ये इसको छोड़ दो अभी, आप पीसीएम से इंटर करने वाले बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूं तो पीसीएम लिखवाता हूं, लेकिन आज आपसे कह रहा हूं पीसीएम लिखो, पीसीएम। मैं हमेशा आपसे पीएम लिखवाता हूं, पीएम कि भाई पीएम लिखो, पीएम लिखो, लेकिन आज पीएम के साथ में पीसीएम लिखो बेटा। अगर आप लोगों ने 12th पास किया है पीसीएम से तो लिखो कमेंट बॉक्स में पीसीएम, पीसीएम, पीसीएम। हो गया। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। अब बात आती है इसकी तैयारी, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब बात आती है कि सर ये बताओ इसकी तैयारी कैसे करें। तो गूगल पे जाना, गूगल बाबा की शरण में जाना, जाने के बाद प्रणाम करना कि बाबा जी लिख दो यहाँ पे अड्डा 24/7। जब लिखा अड्डा 24/7 तो लिखने के बाद में हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, दो मिनट, ऑल कोर्स पर चले आओ, रेलवे पर आना, और रेलवे पर जब आप आओगे तो दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा ALP, यहां पर मिलेगा RPF और यहां पर मिलेगा रेलवे का महापैक। आपको जिस बैच में भी जुड़ना है उस बैच में, हाँ सिलेबस के लिए एक क्लास लेके आऊंगा, ALP पर चले आना बेटा। इस ALP पर जब आप आओगे तो ALP में बेटा आपको बता देना चाहता हूं, इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये वाला बैच है, इसमें जब आप आओगे गुरुजी ये तो 1084 का बैच है, मैं अभी कम कराता हूं। जाना, कोड लगाना Y367 लगाओगे तो आपको मात्र 990 रुपए का ये बैच मिल जाएगा। ये आपको 990 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगर आप कहोगे गुरुजी रेलवे में तो मुझे RPF की भी तैयारी करनी है, ALP की भी तैयारी करनी है, मैं तो कई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, फिर क्या करना है? फिर बच्चों आपको रेलवे के महापैक के साथ जुड़ना है, फिर आपको रेलवे के महापैक के साथ जुड़ना है, जो बेटा आप लोगों को पता होगा डबल वैलिडिटी पर इस समय मिल रहा है आपको। यहां चले जाना बच्चों, ये देखो 1999 रुपए का है, ये बाई नाउ पे जाना, कोड लगाना है पे Y367 और लगाने के बाद तुरंत ये तुम्हें 1820 रुपए का मिल जाएगा, 1820 का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अब मेरी क्लास खत्म होगी, अक्षय सर की मैथ की क्लास शुरू होगी, इसे आप डेमो मानकर उनकी क्लास कर लीजिएगा। आ जाओ सर, बच्चे पूछ रहे, बता दो किस समय शुरू होगी। दोस्तों जैसे ही क्लास खत्म होगी 1 से 1.5 मिनट में मैं तुरंत आपसे लाइव आ रहा हूँ, और जो भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना, जो भी चीजें आपके रिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं अपने सेशंस में जरूर लूंगा। सर ये जो रेलवे का सेशन हुआ डिटेल सेशन, हाँ क्या इस सेशन को देखने के बाद आपको जरूरत पड़ जाएगी? सर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना वो सिर्फ यहाँ है बच्चों को, एज बताओ कब से कब तक, एज क्या है, ITI फॉर्म भर सकते हैं कि सब क्या है, फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, एज ये कि सर मेरी 1994 में, मैं फॉर्म भरूंगा नहीं भरूंगा। अब बस आपको ये देखना है कि तुम OBC में हो, जनरल में हो, अपनी एज मैच कर लेना। ये रहा, अभी तक आपने जितने भी सेशन किए होंगे कहीं नहीं देखा होगा कि सर इस बार टेक्नीशियन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहली बार एक नई पोस्ट जोड़ी गई है जो आपकी ग्रेड फर्स्ट के नाम से है, अब से पहले ग्रेड थर्ड आता था बस, लेकिन अब इन्होंने ग्रेड फर्स्ट भी जोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूं, कोई भी बैच से जुड़ने के लिए आपको कमेंट्स करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, Y367 कोड लगाकर आपको बैच में जुड़ना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे कहने सेशन कर लो।